नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। केंद्र सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सरकार एमएसपी समेत तमाम मुद्दों पर पांचवें दौर की बातचीत के लिए तैयार है। उधर शंभू बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण हैं। आगे बढ़ने की कोशिश में लगे किसानों पर ड्रोन से आंसू गैस छोड़ी गई। किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि किसान भी आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गए हैं। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के जवाब में पंजाब सरकार ने कहा कि यह कहना सरासर गलत है कि वह प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर जमा होने दे रही है। पंजाब सरकार ने कहा कि हरियाणा पुलिस के आंसू गैस, रबर बुलेट, ड्रोन और शारीरिक बल प्रयोग से करीब 160 लोगों के घायल होने के बावजूद उसने कानून व्यवस्था की स्थिति जिम्मेदारी से संभाल कर रखी है। और 40 से अधिक किसान यूनियनों के गठबंधन संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली चलो मार्च को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों से कहा है कि उन्हें भारत सरकार के साथ बातचीत के जरिए गतिरोध सुलझाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी कानून और दूसरी मांगों को लेकर आज देश के संसदीय क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन भी किया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे तीन सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ शंभू बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला हैं, सिंधु बॉर्डर से मुकेश सिंह सेंघारी और साथ ही दिल्ली से परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रवीश, मैं आपके पास आना चाहूँगा, इस वक्त वहाँ पर क्या हालात है? जी देखिए अखिलेश जी, हालात अभी तनावपूर्ण हैं क्योंकि एक तरफ हरियाणा और पैरामिलिट्री फोर्सेस है और दूसरी तरफ जो है वो प्रदर्शनकारी किसान हैं। आज सुबह से अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताएं अपने दर्शकों को, तो आज सुबह 11 बजे मार्च का ऐलान किया था किसान संगठनों ने और 11 ही बजे जो है वो कृषि मंत्री का ट्वीट आया कि वो बातचीत करने को तैयार हैं, पांचवें चरण की जो बातचीत है वो शुरू हो सकती है। और उसके बाद में पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी यहां पर आए और फिर जो दो प्रमुख किसान नेता हैं उनके साथ में तकरीबन 4 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन बातचीत के बीच से ही जो है वो उठकर किसान नेता चले आए। तो आप कह सकते हैं कि 3 बजे तक शांति रही। 3 बजे, हालांकि 3 बजे के बीच में भी जो है वो कई सारे जो टीयर शेलिंग है वो होती रही बीच बीच में प्रदर्शनकारियों के ऊपर में। उसके बाद में 3:30 बजे जब किसान नेता बाहर निकले तो सरवन पनेर ने किसानों के बीच ये कहा कि वो शांतिपूर्ण दिल्ली का मार्च करेंगे। तो उसके बाद में सरवन सिंह पंडेर गए बॉर्डर पर और कुछ उनकी पुलिस के लोगों के साथ में बातचीत हुई। तो उन्होंने जो श्रवण सिंह पंडेर ने हम लोगों को बताया कि पुलिस से उन्होंने ये कहा कि वो शांतपूर्ण दिल्ली जाना चाहते हैं, जिस पर पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि ठीक है आप आ जाइए एक प्रतिनिधि मंडल। लेकिन उसी बीच जो है वो टीयर की शेलिंग हुई, उसमें वो भी उनकी भी सांस जो है वो खराब हो गई, आंखों में जलन होने लगी, गिर गए वो। और उसके बाद में लगातार टीयर शेलिंग चल रही है। अभी फिलहाल जो श्रवण सिंह पंडेर हैं और जो दूसरे किसान नेता हैं उनके साथ में फिर से पंजाब सरकार के जो लोग हैं वो बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी जो है वो शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्स पुलिस है और दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी जो किसान हैं वो मौजूद हैं। डेडलॉक एक बार फिर से बन गया है सरकार और किसानों के बीच में। अब देखना है कि आखिर ये डेडलॉक किस तरीके से टूटेगा, लेकिन श्रवण सिंह पंडेर हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ जो है हम शांतिपूर्ण मार्च की कॉल कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि हम बातचीत करेंगे और फिर जो है वो टीयर शेलिंग की जा रही है, तो ये एक साथ नहीं हो सकता है। ऐसे माहौल में सरकार के साथ बातचीत नहीं हो सकती। अब देखना होगा कि कल चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चे की एक बैठक है और उसमें देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल डेडलॉक बरकरार है और शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति है, बीच बीच में जो टेयर शेलिंग है वो भी होती रहती है।
शंभू बॉर्डर पर तनावपूर्ण स्थिति है, सिंघू बॉर्डर पर मुकेश है। मुकेश, वहां पर क्या इंतजाम किए गए? जो किसान है वो लगातार कह रहे हैं कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे, उन्हें रोकने के लिए वहां पर किस तरीके के इंतजाम जो है वो किए गए हैं? देखिए अखिलेश जी, शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर करीब 250 किलोमीटर दूर है। अभी किसान यहाँ पहुँचे नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से पहुँचने की संभावना है उसको देखते हुए पुलिस ने यहाँ पर नाकेबंदी कर रखी है और इस बार सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम है, क्योंकि इस बार ये साफ आदेश है कि किसी भी तरह जो किसान हैं वो दिल्ली में दाखिल ना होने पाएँ। तो यहाँ पर जो सुरक्षा है वो अभूतपूर्व की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ये एयर डिटेक्टर फ्लैग यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि ये बताएगा कि हवा का रुख किस तरफ है और जिस तरफ हवा का रुख होगा उसी तरफ आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे। तो ये कुछ देर पहले यहाँ पर लगा दिया गया है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर ये पहले लेयर की बैरिकेडिंग है, जहाँ पर तमाम जो सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स रखे गए हैं। ये सामने पूरा रास्ता जो है बंद है, जो कि चंडीगढ़ करनाल से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। इस रास्ते को पुलिस ने पहले से बंद किया हुआ है और इस रास्ते के बंद होने से लोग खासे परेशान हो रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पैदल यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि रास्ता दोनों ओर से बंद है। कुछ लोगों से बात करते हैं। सर थोड़ा बात करेंगे? अच्छा, आप बताइए सर कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह की परेशानी हो रही है? आने जाने की परेशानी हो रही है। सर आप कहाँ से आ रहे हैं थोड़ा बताइए, कहाँ से आ रहे हैं, क्या परेशानियाँ हो रही है? से आ रहे हैं दिल्ली जाना है। हाँ। तो ये देखो परेशानी है, तो पैदल निकल रहे हैं। हाँ, ये भी कल से पता नहीं क्या होगा यहाँ पे। कितना लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ा? नहीं, अभी तक तो ये क्रॉस करना है पैदल ही, सामने दिक्कत तो है ही पूरी। यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, खासतौर से आप देखेंगे महिलाएं भी निकल रही हैं, और यहाँ पर निकलने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है, जिसके चलते लोगों को बेहद परेशानियाँ हो रही हैं। इसके पीछे मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने देखिए इस तरफ बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं ये यहाँ पर तैनात हैं। ये लगातार सुबह से ड्रिल कर रहे हैं, कैसे लाठीचार्ज करना है इसको लेकर ड्रिल हो रही है। और पीछे जो है आप देखें कि मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है, आगे कटीले तार हैं, लोहे के बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं, पत्थर के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उसके बाद कंटेनर्स हैं। तो इस तरह से पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए हैं और यहाँ से लेकर मुकरवा चौक तक तीन लेयर की बैरिकेडिंग है और पूरे रूट को अलग अलग जोन में बांटा गया है। हर जोन को एक DCP हेड कर रहा है और वो निगरानी कर रहा है। इसके साथ में सड़क के दोनों ओर आप देखें तो जो सामने लाइट के पोल्स हैं, इन पोल्स पर पुलिस ने CCTV कैमरे लगा दिए हैं और साथ में बड़े बड़े लाउडस्पीकर लगा दिए हैं। और ये एक तरह का पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, यानी किसानों को वार्न करना है या उन्हें कुछ बताना है तो उसके लिए बड़े बड़े जो है एक लाउडस्पीकर हैं वो लगा दिए गए हैं। तो इस तरह से पुलिस ने यहाँ पर नाकेबंदी कर रखी है, सेक्शन 144 लगा हुआ है। तो ये वो इलाका है, अगर किसान दिल्ली में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले वो इसी बॉर्डर से गुजरेंगे। इसीलिए इस सिंघू बॉर्डर की सुरक्षा बेहद कड़ी की गई है, क्योंकि हमने देखा था कि नवंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक जब यहाँ पर किसान आंदोलन 1.0 हुआ था, उस वक्त यहाँ पर पूरे आंदोलन का जो केंद्र था, जो सेंटर था, वो सिंघू बॉर्डर था। तो इस बार यहाँ पर किसान ना पहुँचने पाएँ और अगर पहुँच भी जाएँ तो वो दिल्ली में दाखिल ना होने पाएँ, उसको देखते हुए सुरक्षा यहाँ पर पहले के मुकाबले बेहद कड़ी कर दी गई है और मल्टी लेयर्ड बैरिकेटिंग है और पुलिस ने काफी तैयारियां कर रखी हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि किसान इस बार दिल्ली में दाखिल ना होने पाए। जी, हमारे साथ परिमल भी हैं। परिमल, हमने कुछ देर पहले बताया था कि कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर से पेशकश की है, कहा है कि MSP समेत जो तमाम मुद्दे हैं उस पर सरकार पांचवें दौर की बातचीत करने के लिए तैयार है। तो क्या इस पर आगे कुछ बात बढ़ी है, क्या कोई किसान संगठनों से इस पर चर्चा हुई है और क्या कोई स्ट्रक्चर डायलॉग इस बारे में कुछ हो सकता है? देखिए, इसको पुराने समय से अगर जोड़ के देखें अखिलेश जी, तो आपको एक बात जरूर दिखेगी कि पिछले बार एक कम्युनिकेशन गैप था। सरकार की बातें मीडिया तक नहीं आ पा रही थी, वो मंत्रणा चल रही थी, बातचीत का दौर भी चल रहा था, लेकिन इस बार सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो कृषि मंत्री हो या फिर हमने देखा कि सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी एक बीच में आए और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। सीधे तौर पर ये दिखाने की कोशिश है कि सरकार इस मसले को लेकर, इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है, वार्ता भी चल रही है और लोगों के बीच में संदेश भी जाए कि दरवाजा जो है, जो बातचीत का दरवाजा है वो खुला हुआ है और समाधान उसी से निकल सकता है। तो एक अच्छी बात है कि सरकार इस तरह का संदेश दे रही है और इस तरह की कोशिश भी लगातार हो रही है, लेकिन जिस तरीके के विकल्प दिए जा रहे हैं उस पर कोई समझौता नहीं बन पाया है, जो हमने देखा कि रवीश भी रिपोर्ट कर रहे थे उस दिन चंडीगढ़ में जब बैठक हुई और उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आई। लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि बातचीत
का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, यानी कोशिश जरूर हो रही है, गंभीरता दिखाने की भी कोशिश हो रही है। और इसमें तीन तरीके से लोग परेशान हैं, सरकार की अपनी परेशानी है, किसानों की अपनी परेशानी है, लोगों की अपनी परेशानी है। और ये बात सरकार बहुत अच्छे तरीके से समझती है, कृषि मंत्री बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर किसान एक बार यहाँ पर पहुँच गए तो फिर वह आंदोलन लंबा खींचेगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन आखिर कब तक ये रास्ता निकलेगा उस पर कोई अभी सहमति बनती हुई और कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा। जी शुक्रिया परिमल, आपका, मुकेश और रवीश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि जो किसान आंदोलन है उसमें लेटेस्ट अपडेट क्या है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की बातचीत की पेशकश पर कहा कि ईमानदारी से बातचीत की एक कोशिश और होनी चाहिए। सुनिए, बीच कोई भी समस्या चर्चा से हल हो सकता, शांतिपूर्ण रूप से बातचीत करके उसको फैसला होना चाहिए। यही हमारा पिछले 10 साल से मांग है, सरकार बात करो बात करो बात करो, मगर सरकार जब बात को डाइल्यूट कर देता है, वो 23 में हमारा फसल है उनमें से 3 अलग निकाल के 5 साल के लिए प्राइवेट के साथ अरेंजमेंट करके जो प्रस्ताव दिया है बिल्कुल हमारा शिकार नहीं है। हम बोला ये स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के नीचे कोई भी एग्रीमेंट किसान के साथ विश्वासघात होगा। बात तो करना चाहिए, बात छोड़ने का सवाल नहीं है, बात करना चाहिए, मगर बात में स्वामीनाथन कमीशन से हटना नहीं चाहिए। राजस्थान की JEE परीक्षा के पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड एक मास्टर ही निकला। इसे एक और आरोपी हर्षवर्धन मीणा के साथ नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में कुछ सरकारी कर्मचारी भी पकड़े गए हैं। अब तक कुल 24 लोगों को पकड़ा गया, इनमें से 5 परीक्षा देने वाले हैं, 19 पेपर लीक गैंग से जुड़े हैं। मुख्य आरोपी हर्षवर्धन मीणा पर पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था, उसे SOG ने पकड़ा। परीक्षा का पेपर राजेंद्र यादव ने हर्षवर्धन मीणा को 50,00,000 रुपये में बेचा। मीणा ने बाद में दलालों के जरिए 2.5 करोड़ कमाए। मीणा दौसा जिले में पटवारी है। एक और आरोपी शिवरतन मोठ एक स्कूल में लाइब्रेरियन है। परीक्षा 6 दिसंबर 2022 को हुई थी। पेपर लीक होने के बाद 9 दिसंबर को SOG में मामला दर्ज हुआ था। 4 लोगों की गिरफ्तारी है। ये 4 लोग इस JEE के पेपर में पूर्णतया इन्वॉल्व रहे हैं, जो सेंटर से निकालने से लेकर बांटने तक। इसमें आगे जो इनका जिनको इन्होंने लाभ पहुंचाया उनके बारे में जांच करेंगे हम। साथ में जो अन्य परीक्षाओं से संबंधित हमारे पास अनुसंधान पेंडिंग है उसके बारे में, उसके इन्वॉल्वमेंट के बारे में कुछ हमारे पास इंटेलिजेंस है और कुछ अनुसंधान से, और उसको हम लोग पुख्ता कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इस संबंध में और आगे विशेष जानकारी आपसे साझा करेंगे। हमारे सहयोगी मुबारक पहुंचे उस स्कूल में जहां मास्टरमाइंड मास्टर था। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। पेपर लीक माफियाओं पर राजस्थान पुलिस अब शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। कल SOG ATS ने प्रेस वार्ता कर इस मामले की जानकारी दी। आपको बता दें वर्ष 2020 का पेपर लीक का वो मामला जहां JEE भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक हो गया था, और उस मामले में अब तक करीब 24 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं खातीपुरा की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह ये वही स्कूल है जहां से JEE भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, और उसका मास्टरमाइंड था राजेंद्र यादव जिसने इस स्कूल से इस भर्ती परीक्षा का पर्चा आउट कर दिया था। राजेंद्र यादव ने यहाँ से जो है पेपर को स्ट्रॉन्ग रूम से अपने साथियों के माध्यम से पर्चे को निकाला और उसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दूसरे साथी हर्षवर्धन मीणा को पहुँचाया, और वहीं से पूरे राजस्थान में इस पेपर को वायरल किया गया। 6 दिसंबर 2020 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और 9 दिसंबर को 3 दिन बाद ही SOG में पेपर लीक को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसकी जांच आगे बढ़ी और इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची। कल पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां मास्टरमाइंड राजेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया, और अब इस मामले में पुलिस आगे कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि राजेंद्र यादव
करीब 23 सालों से इसी स्कूल में कार्यरत थे, तो ऐसे में अब तक कितनी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे उन्होंने यहां से लीक किए हैं, इस मामले की भी जांच होना जरूरी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां स्कूलों में छात्रों के कंधों का बोझ कम होगा। बकायदा आदेश जारी कर अलग अलग कक्षाओं के लिए स्कूल बैग की वजन सीमा तय की गई है। राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले भी इस तरह की कोशिशें शुरू की थीं, लेकिन इस बार सख्ती के साथ नियम पालन करने के आदेश दिए गए हैं। इन नौनिहालों के कंधों पर जिम्मेदारियां तो नहीं है, लेकिन भारी स्कूल बस्तों का बोझ जरूर है। इस बोझ को कम करने के लिए आदेश निकलते आ रहे हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से पहल की, स्कूल बैग पॉलिसी 2022 को जारी किया। अब आप ये देखिए, इनका बैग है और मैं इसमें टांगूंगी, मुझे तो उठाने में ही बहुत ज्यादा भारी लग रहा है। एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर बस्तों के बोझ की पड़ताल भी की। सेकंड क्लास के हिसाब से ये 5 किलो का बैग है और जो मेरे पास लिस्ट है उसके हिसाब से सिर्फ 2 किलो सेकंड क्लास का जो बैग का वजन है वो होना चाहिए। और ये इनका बैग है, ये भी देखिए अच्छा खासा भारी ही है। फिफ्थ क्लास का जो वजन है वो 2.5 किलो के करीब होना चाहिए, ये भी देखिए 5 किलो ही है। इतना भारी बैग कैसे उठाते हैं? कंधों में दर्द होता है जी? कंधों में दर्द होता है? सारी बुक्स लेकर आते हैं क्या जी? ये कौन सी क्लास में हो बेटा? थर्ड में। ये तस्वीर सिर्फ भोपाल की नहीं बल्कि जबलपुर और शिवपुरी जैसे कई जिलों से निकलकर सामने आई है। जबलपुर में भी छोटे छोटे छात्र भारी भरकम बस्ते उठाकर स्कूल पहुंचे थे। जितना इसका वजन है लगभग उतना ही इसके बस्ते का वजन। बेटा दूसरी तीसरी कक्षा के छात्रों के बैग 5 किलो से कम के नहीं निकले। ये बच्चे का वजन जो है बैग का वो 4 किलो 58 ग्राम है, लगभग 5 किलो का वजन है। बाप रे, इसका तो बहुत ज़्यादा है। इस बच्चे का वजन 6th क्लास में है, 7 किलो से ज़्यादा वजन है इसका। पकड़िए, इस तरह से हमने जितने भी बच्चों की अभी भी बस्तों को वजन किया है, ये सब ओवरवेट थे। और कुछ बच्चे तो ऐसा बता रहे हैं कि उनकी आदत बढ़ गई है, लेकिन कई सारे बच्चों का कहना है कि ये वजन से उनकी पीठ और कमर में दर्द होता है। हालांकि आपको बता दें कि ये आदेश कोई नया नहीं है, स्कूल बैग पॉलिसी 2022 में जारी की गई थी, लेकिन उसका कड़ाई के साथ पालन आज तक नहीं हुआ। अधिकारियों को मुआयने के निर्देश थे लेकिन वो भी गायब रहे। जारी आदेश के मुताबिक क्लास 1 से 2 तक बच्चों के स्कूल बैग 1.6 से लेकर 2.2 किलो तक होने चाहिए। क्लास 3 से 5 तक के 1.7 से लेकर 2.5 किलो तक होने चाहिए। क्लास 6 से लेकर 7 तक के 2 से 3 किलो तक बैग का वजन होना चाहिए। क्लास 8 के 2.5 से 4 किलो तक के बैग हो सकते हैं। क्लास 9 से 10 तक छात्रों के स्कूल के बैग 2.5 से लेकर 4.5 किलो तक हो सकते हैं। नियम के मुताबिक स्कूल के बच्चों को एक दिन बिना बैग के बुलाना होगा। स्कूली शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि नीति का पालन करवाने के लिए वो खुद ग्राउंड पर उतरेंगे। अपन ने स्कूल को बोला है कि भाई हमको तो 2.4 केजी का बैग चाहिए। अगर आपके पास एडिशनल सिलेबस है तो आप अपना जो टाइम टेबल आप इस तरह से शेड्यूलिंग करेंगे उसकी कि बच्चे के पास इससे ज़्यादा वजन नहीं पहुँचना चाहिए। ये जो स्कूल बैग्स हैं इनके अंदर भले ही शिक्षा को लेकर ज्ञान देने वाली किताबें ज़रूर हों, लेकिन ये किताबें कहीं ना कहीं इन मासूमों के कंधों का बोझ बनती जा रही हैं। हालांकि कई बार आदेश निकाले गए, लेकिन शायद स्कूली शिक्षा विभाग ही भूल जाता है कि जो प्रदेश के नौनिहाल हैं उनको आदेश का पालन करवाने के लिए उनको खुद भी ज़मीन पर उतरने की ज़रूरत होगी। और शायद ये जो आदेश नए जारी हुए हैं इसके बाद इन कंधों के बोझ हल्के हो सकें। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। प्रख्यात कानूनविद और वरिष्ठ वकील फलीएस नरीमन का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। कानून जगत के लिए यह एक बड़ा झटका है। प्रख्यात कानूनविद और कानून जगत के भीष्म पितामह फलीएस नरीमन नहीं रहे। 95 साल के नरीमन ने एक भरा पूरा जीवन जिया और न्याय की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, श्री फली नरीमन जी सबसे उत्कृष्ट कानूनी दिमाग और बुद्धिजीवियों में से थे। उन्होंने अपना जीवन आम नागरिकों के लिए न्याय सुलभ कराने के लिए समर्पित कर दिया। उनके निधन से मुझे दुख हुआ है। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।
इतना ही नहीं, खुद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए। उन्होंने कोर्ट रूम में बैठते ही कहा, हम फली नरीमन के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, वे एक महान बुद्धिजीवी थे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एनडीटीवी से कहा कि फली नरीमन के निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनकी आवाज सचमुच एक पीढ़ी के अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व करती थी। अपने विचारों की अभिव्यक्ति में निडर होकर उन्होंने स्पष्टता के साथ लिखा और बोला, उन्होंने वकीलों और न्यायाधीशों की एक पीढ़ी का मार्गदर्शन किया। सबसे बढ़कर वह हमेशा एक दयालु और स्नेही पिता तुल्य थे। हमारे युग के एक महान बुद्धिजीवी का दुखद निधन हो गया। फली नरीमन हमेशा न्यायिक स्वतंत्रता के पक्ष में रहे। वो एनजेएसी के विरुद्ध याचिका देने वालों के साथ थे। उन्होंने एओआर केस भी लड़ा, जिसके बाद कोलेजियम सिस्टम आया। हाल ही में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की वैधानिकता पर आए फैसले की उन्होंने आलोचना भी की थी। उन्होंने आपातकाल लगने पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पद से इस्तीफा दे दिया था। हमारे लिए बहुत ही शोक का समय है। फली नरीमन साहब को मैं पिछले 22 साल से जानता हूँ। बहुत सारे केसेस में मैंने उन्हें ब्रीफ भी किया है। इस क्षति की पूर्ति हो नहीं सकेगी। अब वो हमारे बार के, जिसको मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ, भीष्म पितामह थे। क्रूसेडर फॉर जस्टिस एक टर्म होता है, हालांकि ये होता जजेस के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक निर्भय व्यक्ति थे जो गलत को गलत बोलने की क्षमता रखते थे। तो उस क्षति को अब पूर्ण करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। जाहिर है वो अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गए हैं जो मौजूदा समय में बेहद मूल्यवान है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आज रेडियो की सबसे मशहूर आवाज़ों में से एक खामोश हो गई। 91 साल की उम्र में अमीन सयानी नहीं रहे। एक समय अमीन सयानी का नाम रेडियो का पर्याय बन गया था। उनका शुरुआती जुमला बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ, सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ था। 1952 में रेडियो सिलोन पर बिना का गीतमाला नाम के हिंदी फिल्मी गीतों के हिट परेड का उनका कार्यक्रम उसी स्टेशन पर लगातार 42 साल तक चला। वहां से हटा तो 4 साल बाद 2 साल के लिए विविध भारती पर चला। इस दौरान करीब 3 पीढ़ियों के लिए वो हर हफ्ते रेडियो के सुरीले साथी थे। लोकप्रियता के चरम पर हर सप्ताह श्रोताओं की करीब 65,000 चिट्ठियां उनके कार्यक्रम के लिए आती थीं। अमीन सयानी ने हिंदी, हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में बोर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट, सेरेडॉन के साथी और एस कुमार्स का फिल्मी मुकदमा जैसे 54,000 से भी ज्यादा रेडियो प्रोग्राम पेश किए। अमीन सयानी हिंदी फिल्म संगीत के सुनहरे दौर के साक्षी रहे और 3 देवियां, भूत बंगला जैसी कुछ फिल्मों में भी बतौर अनाउंसर नजर आए। प्रोग्राम एक ज़माना था कि हर साल के आखिर में जब एनुअल प्रोग्राम होता था तो उसमें हम कुछ सितारों को या गायकों को या म्यूज़िक डायरेक्टरों को बुलाया करते थे या लिरिक राइटरों को। उस साल बारी थी गायकों की, तो साहब हमने इंटरव्यू किया लता मंगेशकर को, मोहम्मद रफ़ी साहब को, मुकेश भाई को, आशा जी को और तलत महमूद, हेमंत कुमार, ये सब आए, सब बोल गए। गीता जी आई थी, गीता दत्त। उस साल टॉप पर गाना था चोटी पर किशोर दा का। अब किशोर से बड़ी मेरी पुरानी दोस्ती थी कॉलेज के ज़माने से। हम यानी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी, घर जाया करते थे उनके हम, वो कभी कभी आ भी जाया करते थे। तो मैंने फ़ोन किया उनको, कहा कि किशोर दा हमारे एनुअल प्रोग्राम के लिए आपको बोलना है। कहने लगे नहीं नहीं मैं तो नहीं बोलता। हर 4-5 बार उनको फ़ोन किया, मनाया, कहने लगा अच्छा अच्छा फ़लाँ दिन तुम आ जाओ टेप रिकॉर्डर लेकर फ़लाँ स्टूडियो में। अब अंधेरी में स्टूडियो, मैं रहता हूँ केम्स कॉर्नर पर जी, मेरा दफ्तर है वहाँ कुलाबा में। अब कुलाबा में गया, एक बड़ा सा, उस ज़माने में काफ़ी भारी भारी टेप रिकॉर्डर्स होते थे, वो लिया मैंने, खुद ही उठाया उसको, टैक्सी में रखा, अंधेरी कुलाबा से पहुँचा मैं। और वहाँ जो पहुँचा तो स्टूडियो के गेट पर उस फिल्म के प्रोड्यूसर, जिस फिल्म की शूटिंग हो रही थी उसके प्रोड्यूसर खड़े थे। कहने लगे कि अमीन भाई बात यह है कि किशोर दा ने कहा है कि वो स्टूडियो में तभी आएंगे जब अमीन भाई जो है वो आकर चले जाएंगे। मुझे बड़ा गुस्सा आया सर, मैंने कहा साहब इतनी अच्छी दोस्ती और मुझे टरका रहे हैं। तो मुझे इतना बुरा लगा कि उसके बाद 18 साल तक मैंने उनको न फ़ोन किया, न बातचीत की, न कभी उनको बुलाया।
उत्तर प्रदेश के किसान नेता नरेश टिकैत ने कहा है कि 26 फरवरी को वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। उस दिन किसान दिल्ली की गाजीपुर बॉर्डर की ओर ट्रैक्टर लेकर जाएंगे।